जीपीएल न्यूज हर खबर आपके साथ। खाना बदोश की जिंदगी जीने पर मजबूत विस्थापितों का परिवार। निर्मला कैथोलिक स्कूल की ओर से गोपालगंज जिले के सभी परिवारों को क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपालगंज जिले में वर्षों पहले आई विनाशकारी बाढ़ ने हजारों लोगों की जिंदगी पर कहर बरसा दिया। ये हम लोग वर्षों पहले भीषण नदी के कटाव से विस्थापित हो गए। विस्थापित होकर आके यहाँ बंधा पर हम लोग शरण लिए हुए हैं। किसी तरह अपना झोपड़ी डाल के यहाँ कोई तरह के हम लोग सरकारी साधन नहीं मिलता है, सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिलता है, न जमीन जायदाद कुछ भी नहीं हम लोग के पास। घर में रहने का घर नहीं है, झोपड़ी में इधर से बेटी बहन जवान है, इसमें इधर उधर रास्ता भी है, लोग जिधर से चाहते हैं घुस जाते हैं चले जाते हैं। हम लोग को बहुत यहाँ दिक्कत हो रहा है, लेकिन अभी तक सरकार से कोई सुविधा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ, वो भी बता कर गए पुल पर जी हम इतना दिन में आप लोगों को सब व्यवस्था करा रहे हैं, कर दे रहे हैं, आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस तरह किसी तरह से हम लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, लेकिन हाँ रहने का यहाँ बहुत दिक्कत है। क्या नाम आपका? कीर्पा जी। जिसके कारण वे विस्थापित परिवार खाना भरोस की जिंदगी को मजबूर है। द मूविंग स्कूल फ्री एडमिशन टिल द ओकेशन ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल 24 January। बस कम फर्स्ट सर्व। एड्रेस वार्ड नंबर 20 थाना रोड नियर टेलीफोन एक्सचेंज गोपाल। एंड स्पेशली प्रिपरेशन फॉर नवोदय एंड सैनिक स्कूल। कॉन्टैक्ट नंबर 8809038433 एंड 7004568254। 3 बरिस बूढ़ा पेंशन नहीं मिलता है, ना है हमने के घर द्वार के कोनो एथी हुआ, ना कोनो बात के कुछ आवता, कोनो एथी हमने के नहीं मिला, कौनो फंड आवा तो हमनी के नहीं मिलत। हमनी के बताई ये कौन हाल यहाँ बीतत है, गाड़ी घोड़ा कचरा जाता, लड़का हेने डूब ढस जाता, फिर बान पर हमनी के आज 9 बरिस से हमनी के दशा दशा गुजरता है नी। रउआ वहाँ के सब देते बानी, सरकार देते बानी, हमनी के कौनो फंड यहाँ मिलत नहीं। कौन कौन हाल हमनी के यहाँ गुजर बीत रहा बा, आना बूढ़ा पेंशन मिलता, आना कोनो फंड मिलता, आना अभी घर द्वार के कोनो बात भई, ना कोनो घर द्वार के कोनो बात के फाइलन भई, ना कोनो जगह जमीन के अथी भई, हमने के कैसे अथी रही। फिर जा है बान्हा पर बानी सब देखी लो कौन हाल बीता था, ना ओढ़ा ना ना बिछावा ना ना घर ना दुआ ना खेत ना बारी ना रहे के ना खाए के ना पिए के हमके कुछ के अथी नहीं। वोट के लिए आता है लोग? हाँ बाप रे, वोट खातिर तो जान पर चढ़ जाता थे, रेवते लगा था वोट खातिर, रेवत दिन वोट तो हमारा चाहिए, तब वोट हम दे देता नहीं सर, लड़का से आन जीभा बेटा पतो सब वोट देता, आना कोटा मिलता, आना कौनो बात के ना कौनो फंड आता तो हमने के ना काट बाटे, ना कौनो फंड मिलता, ना कुछ मिलता। आहे हमरा है बूढ़ के एगो बूढ़ा पिंसी मिलता, 4 साल से मिलते नहीं थे बूढ़ा पिंसी, और जो होता नहीं सा वहाँ से आवते बाया नहीं थे मिले। अब की बार क्या सोचनी है अभी वोट के? हाँ अब की बार सोचनी है क्या वोट खाती? अब की बार के वोट के क्या करें सर, ना दे कर जमीन है ना, वोट हम नहीं ना दे सर, केहू वोट मांगे आई हम वोट ना दे सर। हाँ चलो जमीन ना मिली, आ हमनी के कौनो फंड नहीं थे मिलत, हमनी के है दासा दासा गुजरत, आज 9 बरिस हमनी के यहाँ रहत हो गई, ताले हमनी के केहू आई वोट मांगनी वोट ना दे। हाँ कुछ ना जननी, आ कितना कितना हमनी के तपेशवा है जा काट के, आ कुछ के हमनी के अथी ना भैला जिले बताई, जे हे ने लड़का डूबा तारन सा हेने दूतरा तारन सा, कौन के ओढ़ा ना 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 घर ना दुआर ना बर ना बिछावा ना ना इतना खेत ना बाड़ी ना इतना जग, हे ने जाइल जाता साइजी में तो ई मार तारन, हे ने जाइल जाता तो साइजी मार तारन, बताई जे हमनी के आज ले हमनी के व्यवस्था यहाँ के देले रहती कौन? हाँ आज हमनी के कहीं जमीन देले रहती तो ई हमनी के दशा ना हो रही, वही गनी कमाता नहीं सा खाता नहीं सा, सरकार रावे लो वही गनी कह के संतोष दे के जला लो कि आज वही बिहान हुई 5 दिन के बाद हुई, लेकिन कोनो हमनी के सुनवाई ना होला, वही गनी बानी सा कमात खाता पर बानी सा बांध पर बानी सा 20 रुपये बांध पर। गोपालगंज डॉक्टर नदी के स्कूल सह परिवार की ओर से क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 साल में घर कटले हो गए, आई जाए बांध पर आके बानी से, आ पर कितना आई पर लड़की सेन सेन लड़का सेन सेन, हमने गरीब गुरु आदमी है बनी से, बनिहारा आदमी है सन,
आ कोई हमने के आवता आ कोई देख के चल जाता लोग कहते जे आवत लो तो कहते लोग तारा के हे महीना में हो महीना में आ हे दिन हो दिन दिवा दे आ कोई दिवावत नहीं खे तब हमने के जे वोट मंगाई नु उनका हो जो सम्मारा सुहरे कर खाई चला के तू जैसे लौट के चल जा ऐसा है जे वोट का बहाना हमने के दस साल से हमने के यहाँ हमने के दिख दी गाँव तले तो हमने के कौन प्रयत्न है सन जे के दिख दिगा के चल लेता और मानस रोड पर है बात है रोड पर बकरी छेर माल गोरु लड़का सियान एकदम डरे के लोग रखा था किचार के चल लेता किचार के चल जाता आ अब के रोड रोड एकदम अब हमने के रोड चेक कर यही में बात थी जब बाढ़ आता है तो हमने के दोनों बगल बाढ़ के पानी पूरा फुल हो जाता है लेकर लेकर रात दिन के दिन रात के रात हमने के खोल भी नहीं टप टप आता रसन जो बड़ा बनिहारी नहीं खा मिल जब बाढ़ आता तो खेत मान में नहीं जा पाओ जब कहीं बना करके ले आके खा हमने के घर के गर्जियन बालो तो हमने घर के गर्जियन तो माने जे मान लो तो वहाँ घर ही कमानी लो आ बाहर भी बाहर भीतर ना रह मिलो बनिहारा आदमी थोड़ी बाहर भीतर रही तो यह बात वही हमने के समस्या बात जल हमने के जमीन ना मिली तो बांध छोड़ सन लगभग दस दस आठ नौ दस साल हो गए कटले हजारों घर से बेसी कटल बा अब बांध भेज दिया के बानी सोना सरकार एक कोनो हिसाब हिसाब किताब ना कैल हमने कहीं व्यवस्था ना कैल हम के अपन जिया तनी से खा तनी सन गुजर बसर कर रहा बानी सन हमने के पूछ निहार नहीं सरकार जब इलेक्शन पड़ता तब नेता लोग होता हाथ जोड़ के वोट मांग लेता आ फिर वह दशा हमिक जेब के त्यों बा सरकार अथी इनके अलग घर नहीं सब हमिके संजय चौबे के लगे तो दिले से 200 आदमी के लिस्ट बना के हमिके जैमे कि 83 आदमी के पट्टा कटवाले बड़े लेकिन ओकर हमिके कौन स्थान अभी ना मिलो आ बाकी लोग अभी बाकी है बा दरोगा मिया आईटी पार्क जिले का एकमात्र कंप्यूटर संस्थान जो नाइलिट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है सीसीसी और ओ लेवल में नामांकन प्रारंभ है जो सभी सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य है बिहार सरकार के कुशल युवा प्रोग्राम में नामांकन प्रारंभ है पता जादवपुर रोड गोपालगंज पहले कई वर्षों से ये लोग बांध सड़क व अन्य ऊंचे स्थानों पर अपना शरण लिए हुए हैं लेकिन परेशानी इनका पीछा नहीं छोड़ती गर्मी जाड़ा या बरसात में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती है काफी तेज आंधी व बारिश में ये लोग किसी दूसरे के दरवाजे पर अपना शरण लेकर रात दिन गुजारते हैं लेकिन इन गरीबों के ऊपर शायद किसी की नजर नहीं जाती वर्षों पहले विनाशकारी बाढ़ ने अपना विकराल रूप लेकर इनका सब कुछ बर्बाद कर दिया था जब ये लोग यादवपुर बांध पर शरण लेकर जीवन यापन कर रहे हैं क्षेत्र के लगभग 500 यहाँ विस्थापित परिवार शिक्षा शुद्ध पेयजल स्वास्थ्य व बिजली सहित कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है इंडियन और जर्मनी दवाओं का अनूठा संगम गोपालगंज होमियो हॉल होम्योपैथिक दवाओं की शुद्धता की गारंटी गोपालगंज होमियो हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज मोबाइल नंबर 8969071002 GPL न्यूज हर खबर आपके साथ।